हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और आज ही ये क्लास में हम देखेंगे कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है और उसे हम कैसे निकालते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, देट इज़ अ पार्टिकल हु इज़ परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन हुज सेंटर इज ओ, एंड दिस इज अ पार्टिकल विच परफॉर्मिंग अ सर्क्यूलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, इनिशियली एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल इज एट पोजिशन ए। पार्टिकल इस पोजिशन पे है जब टाइम जीरो है। टाइम जीरो होने का मतलब क्या हुआ? आप जिस वक्त से पार्टिकल को ऑब्जर्व करना चालू कर रहे हैं, ठीक है, तब पार्टिकल यहां पर है। कुछ टाइम के बाद, इन अ वेरी माइन्यूट टाइम, बहुत ही कम टाइम बीतने के बाद, पार्टिकल कहाँ पर आ गया? ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि टाइम बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि डेल्टा टी चेंज इन टाइम इज टेंस टू जीरो। डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि टाइम काफी छोटा है तो पार्टिकल ज्यादा दूर जा ही नहीं पाया, जिसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वी नो दैट दिस लेंथ ऑफ आर्क इज ऑल्सो स्मॉल, सो लेट्स से दिस लेंथ ऑफ आर्क इज डेल्टा एस। बहुत ही छोटा लेंथ है, करेक्ट। सो यहां पर अगर हम बात करें दैट ए बी जो पार्ट है, ये कर्व नहीं है, ये क्या है? एक लाइन है। ये क्या है? एक लाइन है, ठीक है। एज यू नो दैट सर्कल इज अ कर्व, लेकिन ये पाथ इतना छोटा है, ये पाथ इतना छोटा है कि हमें एक लाइन अपियर हो रहा है, ठीक है। मीन्स कैन वी से दैट ये पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है? यस, डेल्टा एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यस, एंड वी नो दैट इफ दिस इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। ये रिलेशन है ना? लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, आर इज द रेडियस एंड डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है, करेक्ट। इफ आई टेल यू, टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन ए। सो वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट्स द फॉर्मूला, वी नो दैट, राइट। मीन्स पॉइंट ए पे पार्टिकल की ये वेलोसिटी होगी। And what will be the direction of velocity? We know that the direction of velocity, यहाँ पर B को रब कर देते हैं, यहाँ पर लिख दिया, the direction of velocity at A is this one, like this. जिस direction में displacement होगा, velocity भी उसी direction में होगी, correct? So displacement is AB, so velocity is in this direction. Or you can say, जिस भी point पे हमें velocity find out करना है, उस point से हम क्या करेंगे? Tangent draw कर देंगे, ठीक है। मतलब मान लो अगर आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है पॉइंट सी पे, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने। सो दिस इज द वेलोसिटी एट पोजीशन सी। लेकिन अब टेंजेंट दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ, है ना। टेंजेंट तो आप ऐसे भी बना सकते थे, तो मैंने राइट की तरफ ही क्यों बनाया? सीयर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग विच टाइप ऑफ मोशन? एंटी क्लॉकवाइज मोशन। मतलब ये पोजिशन पे जो पार्टिकल है वो राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज मोशन बनाता तो ये पोजीशन पे पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करता, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट लेफ्ट की तरफ बनाते। तो ये चीजें याद रखो, ठीक है। तो अभी हमें वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट क्योंकि हमें पता है दैट डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा, ओके, सो वी इज इक्वल्स टू लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस की जगह हम क्या पुट करेंगे? आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सी नाउ क्लास, एज द टाइम प्रोसीड, मतलब टाइम और बीतते जाएगा, तब पार्टिकल ए से बी से होके सी पे आएगा, लाइक दिस। कुछ यहां पर आ जाएगा पार्टिकल, लाइक दिस। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए से सी लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, लेकिन रेडियस का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हुआ। आर विल बी कॉन्स्टेंट, I am talking about the magnitude. I am not talking about the radius vector. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Radius की magnitude की बात कर रहा हूँ। Magnitude never changes, चाहे particle कितना भी बड़ा motion बना दे, ठीक है? So R is constant. So what I will take R out of the limit. So limits delta t tends to zero.
delta theta upon delta t, like this. And we know that what is the rate of change of angular displacement? Rate of change of angular displacement is the angular velocity. So यहाँ पर हम लोग put करेंगे, therefore I will write down v is equals to r omega. So this is the formula we have. V is equals to r omega. And very important formula, काफी formulas हम circular motion में इसी formula से बनाने वाले, काफी formulas, ठीक है? So v is equals to r omega is one of the important formula, correct? Okay. चलो अभी इस इक्वेशन को हम वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखेंगे. सो इन वेक्टर नोटेशन व्हाट आई विल राइट डाउन दैट वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. अभी हम क्या करेंगे, इस चीज को फील करने की कोशिश करेंगे दैट वी बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार है, तो हम इन तीनों की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में देखने की कोशिश करेंगे. सो नाउ वॉट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ टेबल. ये एक टेबल है, हॉरिजेंटल टेबल एज यू कैन से, दिस इज द हॉरिजेंटल टेबल, और एक पार्टिकल इस हॉरिजेंटल टेबल पे ऐसा सर्क्यूलर मोशन बना रहे लाइक दिस, करेक्ट. एंड इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर अ पर्सन हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप लाइक दिस, ठीक है. फॉर अ पर्सन हु इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप मीन्स एक पार्टिकल है, ये टेबल है. फॉर एग्जाम्पल मैं जब टॉप से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है लाइक दिस, okay, in anti-clockwise direction. So in this scenario as we know that if particle is moving in this direction, what is the direction of angular velocity? The direction of angular velocity is in the upward direction like this. This is the direction of angular velocity, omega bar. And right now, for example, particle is at this position, particle is position pe hai at position A. So in this scenario, if I draw the radius vector, so this is the radius vector, r bar, always away from the center. And what will be the velocity, linear velocity? Linear velocity, we know that it will be a tangent to the circle, like this, tangent to this point, so this is v bar. All three of them, now as you can see, omega r ke saath perpendicular hai, aur v radius ke saath perpendicular hai. Remember one thing, tangent is always perpendicular to the radius. Tangent is always perpendicular to the radius, ये भूलना नहीं है, correct? यहाँ पर class जब आप इस formula को notice करोगे that v is equals to r omega, omega is equals to v by r. अब यहाँ पर ये जो v है, remember class, ये जो v है यहाँ पर, ये जो v है, आप इस v को note करो यहाँ पर, ये जो v है आप देख रहे हो radius के साथ कितना angle बना रहा है, 90 degree का angle बना रहा है. इसके लिए हम इसको क्या लिखेंगे यहां पर, v perpendicular upon radius. हमें वो वाला v चाहिए जो radius के साथ perpendicular हो. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा जब हम relative angular velocity पढ़ेंगे डिटेल में, करेक्ट. तो आपको जो v यहां पर मिलेगा वो कौन सा v होना चाहिए जो radius के साथ perpendicular हो, वो वाला v चाहिए आपको, ठीक है. तो यहां पर जैसे कि अभी हम यहां पर देखेंगे क्लास, एज वी नो दैट v बार इज इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ठीक है. चलो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर वी बार की डायरेक्शन चेक करेंगे क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं. जैसे कि आप देख रहे हो ओमेगा बार इज इन अप द इंक्लाइन, अप द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यू कैन से नॉट अप द इंक्लाइन सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. रेडियस वेक्टर इज इन द राइट डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हमारे फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में रखेंगे और रेडियस की तरफ लेके आएंगे. ओमेगा की डायरेक्शन में रखो, रेडियस की तरफ लेके आओ, तो वी बार की जो डायरेक्शन देखोगे आप बुक के अंदर सॉरी बोर्ड के अंदर, ओके, वी बार की जब डायरेक्शन देखोगे तो बोर्ड के अंदर, यस, सी वी बार इज गोइंग इनटू द बोर्ड लाइक दिस. जब आप इस केस में देखोगे रेडियस वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो बोर्ड के बाहर होगा. सो हम क्या करेंगे, हमारी फिंगर्स को एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखेंगे, उसको रेडियस की तरफ लेके आएंगे लाइक दिस. सो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी अप होगी. सो यहाँ पर देखो लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन अपवर्ड है. इस तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि ये जो इक्वेशन हमने निकाला एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट. सो प्लीज कॉपी ऑन दिस, देन विल मूव फॉर द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. सो नाउ इट्स टाइम टू सी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. लेकिन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी समझने से पहले हम एंगुलर वेलोसिटी को जरा डिटेल में एनालाइज करेंगे. हमने एंगुलर वेलोसिटी की हालांकि डेफिनेशन देखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट हमने उसको डिटेल स्टडी नहीं किया है, ओके. तो हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को पहले डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है. नाउ यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ रोड एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार, यू कैन से, ओके, मतलब आपका ड्रीम कार है, ठीक है, एंड यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर.
ओके एंड योर ड्रीम कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ओके इट इज परफॉर्मिंग अ लीनियर मोशन. एग्जैक्टली ये लीनियर मोशन में ही है. तो यहाँ पर काफी बच्चे को अगर पूछा जाए कि इस केस में बताओ व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वो जीरो बताएगा. क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि वो लीनियर मोशन में है. लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जब ऑब्जर्वर इस कार को देखता है तो ऑब्जर्वर कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी उसके पास होती है. सी यार मैं बताता हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू द कार. एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो सीधा ऑब्जर्वर को कार से जोड़ेगी, लाइक दिस. ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है. एंड वन वी विल टेक अ रेफरेंस लाइन, ये हमारा रेफरेंस लाइन है. लेट्स से दिस इज माय रेफरेंस लाइन, लाइक दिस. ये आपका रेफरेंस लाइन है, हम लिख देते हैं यहां पर कहीं पे कि ये जो लाइन है आपका रेफरेंस लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन, ठीक है. तो कैन यू सी हियर, यहां पर एक एंगल बना है, दैट एंगल इज थीटा, दैट एंगल इज थीटा, ठीक है. मतलब जब आप कार को ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सपोज दिस इज अ कार, तो ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, ओके, और ये कार है ना. तो एक लाइन जो रेफरेंस लाइन है और दूसरी लाइन जो मुझे इस कार से जोड़े, लाइक दिस. तो इन दोनों लाइन्स के बीच में कुछ एंगल है, एग्जैक्टली, एंड दैट एंगल इज दिस थीटा, ठीक है. नाउ सी हियर क्लास, एज वी विल से दैट ये जो लाइन है यहां पर, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ द कार विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. ये कार की पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. आप ऑब्जर्वर को ओरिजिन भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ये ओरिजिन है, बोल सकते हो आप ये ओरिजिन है, ठीक है. तो यहां पर ये आपका पोजीशन वेक्टर है. अब क्योंकि कार वी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ आ रही है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली होगा ही, कि कार की नई पोजीशन ये हो जाएगी. पोजिशन वैक्टर चेंजेस, राइट, पोजिशन वैक्टर चेंजेस. सो दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ द कार एंड कार इज स्टिल ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी वी, लाइक दिस. कार इज स्टिल ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी वी. सो इन दिस सिनारियो नाउ व्हेन वी ड्रॉ द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ कार, नाउ वी विल ड्रॉ द पोजिशन वैक्टर ऑफ द कार लाइक दिस. नाउ दिस इज माई द पोजिशन वैक्टर आर टू बार, करेक्ट. तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर सीयर दिस वन, दिस इज द चेंज इन द एंगल, दिस इज द चेंज इन द एंगल, करेक्ट है ना. ये देखो, ये यहां पर ये कार है, दिस इज ऑब्जर्वर, मैं कार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ओके. शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा पीछे जाते, तो यहाँ पर ये कार है, मैं इस कार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ. ये कार थोड़ा सा आ गया है, जैसे ही ये कार थोड़ा सा आ गया है, जो मेरा डायरेक्शन था, जो लाइन हमें जोड़ रही थी, ठीक है, वो लाइन भी ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. तो जो प्रीवियस लाइन थी उसके साथ वो कुछ एंगल बना रहा होगा. सीयर प्रीवियस लाइन के साथ ये वाली लाइन कुछ एंगल बना रही है, एंड दैट एंगल इज द चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इस कार ने, जब ऑब्जर्वर ने इस कार को देखा, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, डी थीटा की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी, है ना. और हमें हमें पता है यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है. तो यही आपका एंगुलर वेलोसिटी बना. सो इसी जब ऑब्जर्वर इस कार को नोट कर रहा है, तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एज वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट. नाउ क्लास, कभी कभी आपको ऐसा भी पूछा जाएगा, फाइंड आउट करो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन टर्म्स ऑफ वी. किसके टर्म्स में फाइंड आउट करना है, वी के टर्म्स में फाइंड आउट करना है. तो कैसे पता लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कार इस पोजीशन पे है, अभी इस पोजीशन पे ले लो, कार इस पोजीशन पे है, पोजीशन ए पे, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वी. हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है. व्हाट वी विल डू, एग्जाम में कुछ नहीं करना है ऐसा, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्या करना है. व्हाट वी विल डू, वी विल टेक अ राउंडर, ओके. हम क्या करेंगे, राउंडर में आर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, एंड वी विल कीप वन पॉइंट ऑफ द राउंडर ओवर ईयर, एंड विद पेंसिल वी विल मार्क एन आर्क ओवर ईयर. तो ये हमारा एक आर्क हो गया, लाइक दिस. एज यू कैन से दिस इज एन आर्क, लाइक दिस, ठीक है. ये एक आर्क हो गया, आपने एक राउंडर से एक आर्क बना दिया यहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस, ओके. पता है मैंने आपको जब अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको कहा था ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर टू आर, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर.
जब मैंने कहा था कि वी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसका रीजन मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि क्यों मैं इस चीज पे इतना फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज यहाँ पर काम आने वाली है आपको, वो चीज यहाँ पर आपको काम आने वाली है। सी यार, वी किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए था, आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए था टू फाइंड आउट द ओमेगा, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो जो वी है, जो वी है वो आर के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला वी नहीं ले सकते, डेफिनेटली नहीं ले सकते, आपका आंसर गलत आएगा। तो हमें कौन सा फिर वी लेना होगा, कुछ नहीं करना है, हमें इस वी को रिजोल्व करना है वन अलोंग द टेंजेंट टू द आर्क लाइक दिस, करेक्ट, एंड वन अलोंग द रेडियस टू द आर्क लाइक दिस। रिजोल्व करवा दिया इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, है ना। अब इन दोनों कॉम्पोनेंट्स में हमारे जो यूज होने वाला है वो कॉम्पोनेंट कौन सा है, हमारे पास जो यूज होने वाला है वो कौन सा कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू द होम, टू द पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर किसके, पोजीशन वेक्टर के, मतलब ये वाला कंपोनेंट, जैसे कि आप बोलोगे दैट दिस इज वी परपेंडिकुलर, है ना। तो नाउ क्लास लिसन केयरफुली, इफ दिस इज एंगल थीटा, अगर ये आपका एंगल थीटा है एंड दिस इज 90, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा, सो वी परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी वी कॉस थीटा। इन दिस केस वी परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, v cos theta आ रहा है, करेक्ट। सो आई विल राइट डाउन इज इक्वल्स टू v cos theta अपॉन r, सही है। सो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मिला, लेकिन इस केस में आपको r पता होना चाहिए और v पता होना चाहिए और थीटा पता होना चाहिए, तभी ही आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू v cos theta बाय r, इस चीज को हम समझ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। नाउ क्लास रिमेंबर वन थिंग, जब भी हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ कार, इफ दिस इज अ कार, ये कार यहाँ से आ रहा है एंड आई एम एन ऑब्जर्वर, ये कार एक कॉन्स्टेंट स्पीड से आ रहा है लाइक दिस एंड इट विल मूव लाइक दिस। तो जब ये कार जब मेरे ठीक सामने होता है, जब ये कार मेरे ठीक सामने होता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ द मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी इज वेरी हाई, है ना। आपकी देखो जो गर्दन है वो तुरंत घूमती है लाइक दिस, आपकी जो गर्दन है, जैसे ये कार आ रही है ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन जब ये बीच एग्जैक्टली सेंटर से होके गुजरता है तब मैं मुझे अपनी गर्दन बहुत तेजी से घुमानी पड़ती। आपने देखा होगा इफ सपोज आप कोई रेस ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आपके सामने जो रेस ट्रैक है, ठीक है, आप कोई रेस में जा रहे हो, आपके सामने जो रेस ट्रैक होगी और उस पे से कोई व्हीकल जाएगी बहुत तेजी से, ठीक है, तो आप उसको ऐसे देखोगे, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे आपने गर्दन जो है, अपनी जो गर्दन है उसे बहुत ज्यादा एंगल डिस्क्राइब करवा दिया इन द लेस टाइम, तो एट दैट पॉइंट ऑफ द मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं वही चीज बता रहा हूँ, मैं आपको इस चीज को प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि कार सपोज इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई, ठीक है, मतलब कार यहाँ पर आ गई, लेट्स से ये कार हो गया आपका, ठीक है, एंड कार इज स्टिल मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, कार की लीनियर वेलोसिटी तो सेम ही है, कार की लीनियर वेलोसिटी तो सेम है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ द मोमेंट अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी बोला जाए, तो हमें पता है हम यहाँ पर राउंडर रख के एक आर्क बनाएंगे यहाँ पर, तो जैसे ही आपने एक आर्क बना दिया, लेट से दिस इज द आर्क लाइक दिस, दिस इज द आर्क, तो यहाँ पर आपका जो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये ऑलरेडी वी के साथ परपेंडिकुलर है, ये देखो ऑलरेडी वी के साथ परपेंडिकुलर है। तो इन दिस केस जब यहाँ पर आप एंगुलर वेलोसिटी, लेट से इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन है, तो जब आप ओमेगा वन की बात करोगे, सो v को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि v ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। सो आई विल राइट डाउन v अपॉन रेडियस कितना है, लेट्स से दिस रेडियस इज r, r 3 दे दे, चलो क्योंकि r ऑलरेडी लिया हुआ है हमने, सो r c ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू v बाय r, दैट्स द थिंग। चलो अगर मतलब मान लो r3 अगर ये r3 है एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये वाली जो ट्राइंगल दिख रही है आपको, बड़ी वाली ट्राइंगल, सो इन दिस ट्राइंगल इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज cos theta, so you will say that cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, adjacent is r3 and hypotenuse is r, so I will write down r3 upon r, so therefore r is equals to r3 upon cos theta, r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, r3 upon cos theta, यही r की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा और मैं चेक करूंगा what is the angular velocity omega, so omega is equals to v cos theta और r3, r की वैल्यू कितनी है, r3 by cos theta like this, this cos theta will go up and become v cos square theta upon r3 like this, this is the angular velocity, correct, to yahan par aap dekh rahe ho v upon r3 is omega 1, so omega is equals to omega 1 cos square theta, as we know that theta jo hai wo 0 degree se
90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा होगा बिकॉज इट इज एन एक्यूट एंगल. तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो वन सॉरी जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा होगा लाइक दिस, है ना. कॉस थीटा का वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगा, तो कॉस थीटा का जीरो से वन के बीच में होगा तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर थीटा और भी छोटा हो जाएगा जो ओमेगा की वैल्यू को और कम कर देगा, है ना. सो ये पॉइंट पे हमें समझ में आता है एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे कार हमारे रेफरेंस लाइन के नजदीक आती है, रेफरेंस लाइन मीन्स जब भी ये वाली जो लाइन है वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो जाए तो एट दैट पॉइंट ऑफ द मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता है, करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी. तो यहां पर मैं आपको एंगुलर सॉरी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल लेते हैं, दैट पार्टिकल इज मेकिंग अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस. लेट्स से ये एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन बना रहा है और ये हमारा रेफरेंस लाइन है. एक रेफरेंस लाइन तो होना ही चाहिए, ठीक है. ये हमारा क्या है, रेफरेंस लाइन है लाइक दिस, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है. नाउ सपोज द पार्टिकल इज एट दिस पोजिशन, पार्टिकल एट पोजिशन पी. लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ. तो यहां पर जब हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे लाइक दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, करेक्ट. और यहां पर मैं बात करूंगा दैट दिस इज द एंगल अल्फा लेट्स से, करेक्ट. और यहां पर सी हियर देयर आर द टू ऑब्जर्वर, वन एट द सेंटर एंड अनदर एट दिस पॉइंट एट द लोकेशन ए. तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक और लाइन बनाऊंगा लाइक पोजीशन वेक्टर. जब ए पी को ऑब्जर्व कर रहा है और जब ओ पी को ऑब्जर्व कर रहा है, ए जब पी को ऑब्जर्व कर रहा है तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है लाइक दिस, है ना. यहां पर एंगल कितना बना, बीटा एंगल बना. नाउ अभी यही पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहां पर आ गया. क्यों यहां पर आ गया, बिकॉज दे आर मेकिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो नाउ द पार्टिकल इज एट पोजिशन पी डैश. तो जब पार्टिकल पोजिशन पी डैश पे आ गया, जो ओ ऑब्जर्वर है लाइक दिस, नाउ दिस इज द पोजिशन वैक्टर. As you can see, there is a change in angle. This change in angle is d alpha. Very small change in angle. और जब B इसको, जब particle A, sorry, observer A particle को देखेगा, तो यहाँ पर change in angle is d beta. Like see, angle change हो गया. So angular velocity of particle P with respect to O is equals to change in angular displacement with respect to time. Similarly, angular velocity of particle P with respect to A is equals to change in angular displacement with respect to time, correct. तो यहाँ पर A के लिए angle कितना describe हुआ, angular displacement कितना है dB, है ना, d beta. और एक observer O के लिए कितना है d alpha. तो उसके accordingly angular velocities के formula बनते हैं. So इसी को हम बोलते हैं relative angular velocity. Clear class? I'll give you some more example for the relative angular velocity. Let me rub this part. मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद हम न्यूमेरिकल के लिए जाएंगे, ठीक है. सो नाउ सी हियर, जैसे कि यहां पर फॉर एग्जांपल आई विल मेक अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. इनिशियली दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज पार्टिकल बी. Particle A is moving in this direction with a velocity VA, making an angle alpha with the horizontal line, and particle B is moving in this direction VB with a velocity VB and making an angle beta with the horizontal like this. So in this scenario, if they ask, find out what is the angular velocity of B with respect to A. What is angular velocity of B with respect to A? So what many students do, many students क्या करेंगे, angular velocity of B minus angular velocity of A. This is absolutely wrong. Absolutely wrong. ऐसे नहीं करना है आप, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. So जब भी आपको find out करना है angular velocity of B with respect to A, तो हम क्या find out करेंगे, सबसे पहले पता करो what is the linear velocity of B with respect to A, कौन सा वाला component, perpendicular component, और upon दोनों के बीच में distance कितना है, R is the distance between both the particle. लेट्स से दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज आर. कौन सा डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, करेक्ट. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और वो भी कौन सा कॉम्पोनेंट, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट. परपेंडिकुलर कौन सा, जो इस डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए. सी हियर मैं बताता हूँ,
अभी यहाँ पर जब आप देखोगे, यहाँ पर दिस कॉम्पोनेंट विल बी वी बी कॉस बीटा. मैंने वी बी को रिजोल्व करवा दिया इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन विल बी हॉरिजोंटल, अनदर विल बी वर्टिकल. सो दिस विल बी वी बी साइन बीटा. सेम यहाँ पर वी ए साइन अल्फा एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बी वी ए कॉस अल्फा लाइक दिस. सी हियर, तो यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो ए और बी को उनकी वन कॉम्पोनेंट, बोथ ऑफ देम, उन दोनों की एक कॉम्पोनेंट इस लाइन पे लाई करती है, दैट इज वी बी कॉस बीटा एंड वी ए कॉस अल्फा. बट मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है. मेरा इंटरेस्ट कौन सा कॉम्पोनेंट है? जो कॉम्पोनेंट डिस्टेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना है. सी हियर लाइक दिस. सो व्हेन वी आस्क अबाउट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब इनका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट मुझे चाहिए, तो यहाँ पर वी बी साइन बीटा, वी बी साइन बीटा. लेकिन यहाँ पर मैं वी बी साइन बीटा को नेगेटिव साइन में लूंगा, बिकॉज इफ आई कंसिडर दिस एज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, वी बी साइन बीटा इज एक्टिंग इन द नेगेटिव वाई एक्सिस. तो माइनस वी बी साइन बीटा, फिर माइनस करके आई विल राइट डाउन वी ए साइन अल्फा. यस, माइनस वी ए साइन अल्फा, है ना? ओके, वी ए साइन अल्फा अगेन द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, अपॉन, sorry, not upon, because we are finding velocity of b with respect to a. So angular velocity of b with respect to a क्या बन गया? Velocity of b with respect to a इनका perpendicular component upon radius, है ना? Radius is r. तो ये value कितनी आ रही है? हमें minus common ले लो, तो अंदर क्या मिला? vb sin beta plus va sin alpha upon r. So this is the value we have. This is the angular velocity of b with respect to a. याद रखो बच्चों, ये नहीं करना है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होता है. आपको एंगुलर वेलोसिटी किसी भी दो पार्टिकल्स का इसी रिस्पेक्ट में, मतलब इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है? सो प्लीज नोट डाउन दिस थ्री एग्जाम्पल्स, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स. उसके बाद हम आगे बढ़ते. सो नाउ इट्स टाइम टू सी क्लास, सो नाउ इट्स टाइम टू सी व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये चीज़ नहीं लिख सकते आप, और क्यों यही लिखना है, ठीक है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तभी हमें फील आएगा फिजिक्स का. ओके, सो लेट मी रब दिस पार्ट. Okay, now see it. Let's take one example. If suppose the particle is performing a circular motion in this circle and another particle is also performing a circular motion in this circle. But dono circle ka radius alag alag hai. Let's say first circle ka jo radius hai, the radius of this circle, it's r1, this one. Ye radius kitna hai? r1. And right now the particle is at this position, at position A. एंड अनदर सर्कल द बिगर वन, और पार्टिकल कहाँ पर है? पोजिशन बी पे है. ओके, और ये वाला जो रेडियस है आपका, दिस रेडियस इज आर टू, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस रेडियस इज आर टू, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर दोनों पार्टिकल एंटी क्लॉक वाइज मोशन बना रहा है विद अ सेंटर ओ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, करेक्ट? तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, velocity of particle A, let's say this is the velocity of particle A, VA, and this is the velocity of particle B, that is VB. Correct? दोनों का time period अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक example लेते हैं class, मतलब मान लेते हैं कि, मतलब मान लो radius जो है वो कितना है? 2 meter है for first case, and जो velocity है, linear velocity है, वो भी कितना है? 2 meter per second. Correct? Linear speed is 2 meter per second. And for the second case, R2 का जो वैल्यू है दैट इज 3 मीटर, और इसका वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. तो अगर मैं ओमेगा कैलकुलेट करने जाऊँ फॉर द फर्स्ट सर्कल, ओके, सो ओमेगा वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन आर वन. वी वन अपॉन आर वन करोगे तो 2 अपॉन 2 आ गया कितना? 1 रैड पर सेकेंड. कितना आ गया? 1 रैड पर सेकेंड. इन द सेकेंड केस अगर मैं ओमेगा 2 कैलकुलेट करने जाऊँ तो वी टू अपॉन आर टू. वी टू अपॉन आर टू मतलब कितना आ गया आपको? 3 अपॉन 3, विच इज इक्वल्स टू अगेन 1 रैड पर सेकेंड.
तो अगर हम लोग ऐसे फाइंड आउट करने बोले आपको, फाइंड आउट करो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और आपने ये फॉर्मूला डाल दिया ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, तो इसके अकॉर्डिंग वन माइनस वन कितना आ रहा है आंसर, जीरो रेड पर सेकेंड, जो कि गलत है, गलत है, ये आंसर आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ सीयर, एंगुलर वेलोसिटी इस केस में अगर आपको निकालना हो तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या था फॉर्मूला, वी परपेंडिकुलर, आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन ना, सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, कौन सा कॉम्पोनेंट, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जैसे कि आप देखोगे यहां पर मैं बात करूंगा, ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ही है, ओके क्लियर, ये जो कॉम्पोनेंट है ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, वन का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वन मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, एंड टू का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू, यहाँ पर मैं v1 और v2 कर लेता हूँ टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, सो दिस इज v1 एंड दिस इज v2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कैन आई से द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज r2 माइनस r1, r2 में से आप r1 को माइनस करोगे तभी ab का डिस्टेंस मिलेगा ना, सो आई विल राइट डाउन r2 माइनस r1, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, इट्स 2, R2 का वैल्यू कितना है, 3 है, R1 का वैल्यू कितना है, 2 है, सो कैन यू सी 1/1, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 1 रेड पर सेकंड, सी यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है ना, इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि ये फॉर्मूला यूज मत करो, बिकॉज दिस इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी 1 रेड पर सेकंड, करेक्ट। तो ये क्या है फिर, अगर ये फॉर्मूला रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं तो क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये चीज़ है क्या, क्लियर नाउ क्लास, लेट्स से, अब क्योंकि हमें पता है जो सेकेंड पार्टिकल है इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ देर के बाद ए और जो बी है इन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी देखो सेम है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा कुछ देर के बाद पार्टिकल ए, और बी इसी लाइन पे होगा, जिस लाइन पे ए होगा ना उसी लाइन पे बी होगा, लाइक दिस, जिस लाइन पे है ए है उसी लाइन पे बी है, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एज यू कैन सी दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो दोनों ने एंगल डिस्क्राइब भी कितना किया, सेम किया, दोनों ने एंगल भी कितना डिस्क्राइब किया, सेंटर पे सेम एंगल डिस्क्राइब किया, मतलब अगर मैं बात करूं दैट एंगल डिस्क्राइब बाय पार्टिकल ए इज थीटा एंड एंगल डिस्क्राइब बाय पार्टिकल बी इज थीटा, सो इफ आई आस्क यू टेल मी व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी of particle A with respect to particle B, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ angular velocity theta of A with respect to B, so I will write down this is theta A minus theta B, है ना, कुछ टाइम के बाद ये दोनों पार्टिकल A और B इस पोजिशन पे आ गए, है ना, तो जब ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद एक नई पोजिशन पे आ गए तब हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि A और B के बीच में कितना एंगल है, ए और बी के बीच में कितना एंगल है, सो टीटा ए का वैल्यू है आपका टीटा, टीटा बी का वैल्यू भी आपका है टीटा, सो टीटा माइनस टीटा कितना हो गया, जीरो हो गया, सो दिस इज द टीटा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर जीरो आ रहा है, करेक्ट, आपको आंसर जीरो आ रहा है, तो यही आंसर हमें ये इंडिकेट कर रहा है जीरो रेड पर सेकेंड, दिस इज नॉट अ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द चेंज इन एंगुलर, दिस इज द, यू कैन से चेंज इन द एंगल बिटवीन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए ने बी के साथ जब कुछ टाइम चला गया तो ए और बी के बीच में कितना एंगल बना, ए और बी के बीच में कितना एंगल बना, लेकिन आप देख रहे हो ए और बी के बीच में एंगल नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, इट विल गिव यू चेंज इन एंगुलर स्पीड, ये क्या देगा, दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना एंगुलर स्पीड चेंज हो रहा है, दिस विल गिव यू द चेंज इन एंगुलर स्पीड, और हमारा टॉपिक क्या है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन एंगुलर स्पीड का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है ओमेगा वन का वैल्यू 1 रेड पर सेकंड है, तो ये पार्टिकल 1 रेड पर सेकंड से जा रहा है, ओमेगा टू का वैल्यू 1 रेड पर सेकंड है, दूसरा वाला पार्टिकल भी 1 रेड पर सेकंड से जा रहा है, तो इन दोनों की एंगुलर स्पीड में डिफरेंस कितना है, ये चीज हमें ये बताता है, इन दोनों, ये फॉर्मूला में ये बताएगा कि दोनों की एंगुलर स्पीड के बीच में डिफरेंस कितना है,
करेक्ट, ये फॉर्मूला हमें ये नहीं बताता कि जब ए बी को देखेगा तो ए के रिस्पेक्ट में बी कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये नहीं बताएगा। ये फॉर्मूला हमें क्या बताएगा कि ए का एंगुलर स्पीड और बी के एंगुलर स्पीड में डिफरेंस कितना है। इट इज जस्ट शोइंग अ डिफरेंस, इट इज जस्ट शोइंग अ डिफरेंस। ये फॉर्मूला हमें ये नहीं बताएगा कि जब ए बी को देख रहा है तो ए के रिस्पेक्ट में बी कितने एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये चीज नहीं होता। तो वो चीज के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। सो आई होप आपको फील आ गई होगी क्या है। सो नाउ अभी हमने बहुत कुछ देख लिया है, नाउ वी विल सी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। बी ने ए के रिस्पेक्ट में कितना टाइम ले लिया वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। सो इसी को तो हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो आई विल राइट डाउन दैट टाइम पीरियड, टी इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू ए टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी नो दैट इट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, करेक्ट। व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर स्पीड, चेंज इन एंगुलर स्पीड। ओके, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन इज इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई विल राइट डाउन 2 पाई अपॉन टी 2। ओमेगा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी 1। टी 2 इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन एंड टी 1 इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल 1 टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक है, जहां पर मैं 2 पाई कॉमन ले लूंगा फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, सो 1 अपॉन टी 2 माइनस 1 अपॉन टी 1, 2 पाई 2 पाई गेट कैंसल, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी टी 1 टी 2 अपॉन टी 1 माइनस टी 2, सो दैट इज द टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए। ओके, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। ओके, now it's time to solve the numerical. So the first question is, a particle is moving in a circle with constant speed v. If the radius of the circle is r, find the angular velocity of the particle related to any point a on the perimeter of the circle. So yahan par humne point a ko yahan par mana hai, that this is the point a, this is the center of the circle, that is o, and this is the radius of the circle, that is r. Okay, right now the particle is at point P and V is the velocity of the particle at that particular point. That particle, the radius, the position vector, you can say, the position vector, this is A, the position vector of this particle with respect to the position A is making an angle theta with the x-axis. I will consider this as my x-axis, yeh hamara x-axis hai, yeh hamara y-axis hai, and z-axis is coming out of the board. Z axis का पर आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है, ठीक है। So now we know that यहाँ पर, as you can see, this is the diameter of the circle. If this is the diameter of the circle, what I will do? I will make a line like this. यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे like this, okay? And यहाँ पर जब एंगल आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, करेक्ट? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, ओके? क्योंकि सेमी सर्कल का आप जो एंगल सबटेंड करोगे वो आपको 90 डिग्री होगा, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है? सो ठीक है, चलो ये पार्ट तो हमें समझ में आता है। एज वी नो दैट नाउ ये बी है, मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, लाइक दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट्स से इफ दिस इज एंगल थीटा, कैन आई से दैट दिस इज एंगल थीटा, यस, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो ये समझ में आता है, ये थीटा हो गया। Now what we will do, we will make a line which join the particle to the center of the circle like this. Like this is a line. Aise kuch. Now we know that class AO is the radius of the circle, OP is also the radius of the circle. For this triangle, ye wali jo aapko triangle dikh rahi hai, can I say if this is theta, then this is also theta. If opposite sides are equal, then their opposite angles are also equal. If two sides are equal, then their opposite angles are also equal. Okay, ये आपका radius आ रहे, ये आपका radius आ रहे, तो इनके opposite angles भी equal होगी, theta and theta. मतलब ये isosceles triangle बन रहा है. Okay, now we know that radius और tangent जो होता है, ये आपस में कितना angle बनाएगा? 90 degree का angle बनाएगा. So ये आपका 90 degree है, radius and tangent. Okay, तो यहाँ पर आप देखोगे, theta plus theta comes out to be 2 theta. So what will be this angle? This angle will be 90 minus 2 theta. I'll write down over here. So this angle will be 90 minus 2 theta. Like this. ठीक है, चलो ये चीज क्लियर होती है।
Now what we will do, we will resolve V into two components. V को हम two components में resolve करेंगे. One along AP like this, and another perpendicular to AP like this. This is the line perpendicular to the AP. So now class, listen carefully what I want to say. If this and this component are 90 degree to each other, ये वाला जो आपको angle दिख रहा होगा, like this angle, like this. This is 90 minus 2 theta plus theta. So 90 minus 2 theta plus theta, this angle. और इस एंगल को मैं x ले लेता हूँ. So plus x, दोनों मिलके कितना दे रहा है? 90 degree दे रहा है, है ना? See, 90 minus 2 theta plus x will give you 90. So यहाँ पे जब आप solve करोगे, 90 get cancelled, minus 2 theta plus theta comes out to be minus theta plus x, which is equals to 0. So x का value आ गया theta. Means this angle is theta. तो x को हटा के हम यहाँ पर theta लिख देते हैं. So this component of v become v cos theta, and this component will become v sin theta. But we are not interested in v sin theta. We are interested in v cos theta to find out the angular velocity. So angular velocity is v cos theta. हमें पता है perpendicular component and upon denominator में क्या आएगा? AP. ठीक है, denominator में क्या आ जाएगा? AP. है ना? Because we know the general formula. Omega is equals to v perpendicular upon r. है ना? R is the distance from the observer to the particle. Okay. So this is AP small r, you can say. ठीक है. Now come back to this triangle APQ. हम कौन से triangle में आएंगे? APQ. So in triangle APQ, if I'll ask you, tell me what is the value of cos theta? The value of cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse. So what is adjacent in this case for this triangle? Adjacent is AP and hypotenuse is AQ. So I'll write down AP upon AQ, correct? And what is the value of AQ? It is R plus R, that is 2R. So ye ho gaya AP upon 2R, correct? तो AP का वैल्यू कितना हो गया? 2R cos theta हो गया. तो AP की जगह मैं 2R cos theta पुट करूंगा. So omega is equals to V cos theta और AP की जगह 2R cos theta. So cos theta get cancelled. So V upon 2R. Angular velocity को अगर वेक्टर में देखोगे तो V upon 2R. If you will see, this body is revolving in a circular motion like this. है ना? तो angular velocity का जो direction आएगा board के बाहर आएगा, means in the positive Z axis. So positive z axis के लिए यहाँ पर मैं k cap लिख दूंगा. So this is the angular velocity of that particle. Okay, angular velocity of particle with respect to a. If suppose हमें ये भी find out करना हो, angular velocity of particle p with respect to center. तो हमें पता है ये जो v velocity है, it is a tangent to this point p, and radius जो है वो tangent के perpendicular ही होता है. तो इस केस में आपका हो जाएगा v अपॉन r नॉर्मली k cap लाइक दिस. सो व्हेन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस टू, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन ओमेगा p विथ रिस्पेक्ट टू o इज इक्वल्स टू ओमेगा p विथ रिस्पेक्ट टू a अपॉन 2 लाइक दिस. सॉरी, इट विल बी 2 टाइम्स, नॉट अपॉन 2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, that is very interesting question, this one. So let me open the question. Yeah. So the question is, an aeroplane moves with constant velocity v parallel to x-axis at a height y is equals to h. Find the angular velocity as well as the angular acceleration of the aeroplane relative to o as the function of time t. Assume that at t is equals to 0, x is equals to 0. Matlab kya hai? Jab time 0 hai, tab x की वैल्यू भी क्या है? जीरो है. मतलब एरोप्लेन कहाँ पर है? एग्जैक्टली इस लोकेशन पे है. ठीक है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एरोप्लेन यहाँ पर पहुंच गया है. एरोप्लेन मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v. तो जब एरोप्लेन यहाँ पर पहुंचा है तो उस वक्त एरोप्लेन की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन? ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ओके, और इसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. जैसे कि मतलब मान लेते हैं क्लास, the person who is looking the aeroplane like this. Okay, this is the person who is looking the aeroplane. This is, I will write down, this is A. यहाँ पर angle कितना बन रहा है? This is angle theta. Correct? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें पता है, we will take a rounder, keep over here, और यहाँ पर एक arc बनाएगा like this. Okay, this is a arc. तो मुझे V को resolve करना है ना? V को हम क्या करेंगे? Resolve करेंगे. One will be
tangent to the arc and another will be along the line. Okay, one will be along the line OA. तो ये हमने V को resolve कर दिया into two components. अभी इसके बाद क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कौन सा कॉम्पोनेंट cos theta होगा, कौन सा sin के साथ जाएगा, like this. क्योंकि अभी हमें पता है if this angle is theta, so due to the alternate angle test, ये angle theta हो जाएगा, like this. If this is theta, हमें पता है ये वाली जो line OA इस tangent के साथ perpendicular है, so this will be 90 minus theta. If this is 90 minus theta, vertical line, horizontal line के साथ 90 degree बनाता है, so this angle will be theta. So ये angle theta हो गया, तो ये component हो गया हमारा V cos theta, और ये component हो गया हमारा V sin theta. बड़ा ही simple था, correct? तो angular velocity तो हमें पता है क्या होता है, angular velocity of A with respect to O. Angular velocity of A with respect to, हम क्या देख रहे हैं, O देख रहे हैं, जिसका formula हमें पता है, it is V perpendicular upon R. R is the distance between the observer and the aeroplane. ठीक है, so V perpendicular अब क्या है, V cos theta है, so V cos theta. R कितना है, R है OA, तो OA मैंने लिख दिया, this is my R. Okay, so बहुत ही simple है, लेकिन अभी तक हमारा answer नहीं आया, हमारा answer T के terms में आना चाहिए, time के terms में आना चाहिए. ठीक है, let's come back over here in the diagram. Okay, if you will see in the diagram, let's say ये वाली जो distance है, हमने x ले लिया. Okay, ये वाली जो डिस्टेंस है, एरोप्लेन ने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया इन टाइम टी. सो इफ एरोप्लेन कवर एक्स डिस्टेंस इन टाइम टी, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब एक्स का वैल्यू इज वी टी. चलो एक्स का वैल्यू आ गया हमें. ओके, नाउ कम बैक ओवर हियर इन द डायग्राम. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, कैन आई राइट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो ओ ए का वैल्यू मिल गया हमें अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, चलो सही है. फ्रॉम द डायग्राम ओनली, व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज एडजेसेंट, दैट इज एच अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ओ ए, एंड द वैल्यू ऑफ ओ ए इज दिस वन, सो एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस, करेक्ट. तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. सो ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल्स टू वी अपॉन ओ ए का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, इनटू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया वी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना है, वी टी, तो ये वी टी में यहाँ पर पुट कर दूंगा. सो वी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर. सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, लाइक दिस. चलो एंगुलर वेलोसिटी तो मिल गया हम लोग को, आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन. वी नो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो मतलब जो हमें एंगुलर वेलोसिटी है उसी का डेरिवेटिव निकालना है. सो वी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर. सो कैन आई राइट डाउन वी एच डेरिवेटिव ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर टू द पावर माइनस वन, विच इज रिटन एज वी एच माइनस वी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर टू द पावर टू, एंड डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म्स, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा टू वी स्क्वायर टी, करेक्ट. सो फाइनली हमारा आंसर आ गया माइनस टू वी स्क्वायर इंटू वी कम्स आउट टू बी वी क्यू एच टी अपॉन एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर टू द पावर टू. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो प्लीज कॉपी डाउन, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ओके, एज शोन इन द फिगर. सो मुझे ए की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू बी. सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. कैसे निकलेगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट देखो अपॉन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है. लेट्स से इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है वो आर है, ये डिस्टेंस ए बी. ठीक है, तो अपॉन आर, लाइक दिस, करेक्ट. ओके, तो सबसे पहले हम इनको रिजॉल्व कर लेते हैं. रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है. जैसे कि दिस इज वी ए, सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी वी ए कॉस थीटा वन, एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बी वी ए साइन थीटा वन. ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी वी बी साइन थीटा टू, and this component will be vb cos theta 2, correct.
Fine. So these are the perpendicular components. If I consider this as my positive x-axis and this is my y-axis, like this, है ना? So यहाँ पर velocity, I will write down velocity of A minus velocity of B upon R. So what is velocity of A? Velocity of A is y, va sin theta 1 in the negative y-axis. So minus va sin theta 1. Negative sign indicates that it is going in the negative y-axis. And VB का वैल्यू जब आप देखोगे परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट से इट विल बी VB sin theta 2 अपॉन R. सो हमारा फाइनल आंसर बना माइनस VA sin theta 1 प्लस VB sin theta 2 अपॉन R. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो प्लीज कॉपी डाउन, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सैटेलाइट्स 1 एंड 2 आर ऑर्बिटिंग विद एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा एंड 2 ओमेगा related to the center of the earth respectively in the same plane if the radii of their orbits are r and 3r respectively find the angular velocity of 1 related to 2 and angular velocity of 2 related to 1. okay fine. to dono cases mein hame angular velocity find out karna hai. sabse pehle yahan par batayi gayi hai that this is the position of the satellite 1 and this is the position of the satellite 2. correct. सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में फाइंड आउट करना है. सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड. इफ द सैटेलाइट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इफ यू विल सी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी दैट इज टूवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब के कैप में होगी इसकी डायरेक्शन. ओके चलो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अपॉन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, लेट्स से दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर. ओके सैटेलाइट 1 और सैटेलाइट 2 के बीच में ये वाला डिस्टेंस, आई विल अज्यूम दैट दिस इज आर. व्हाट आई विल डू, सी बिगर सर्कल का रेडियस हमें पता है 3r है, छोटे सर्कल का रेडियस हमें पता है r है. तो 3R को अगर आप R से माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल R मिल जाएगा, दैट इज 2R, है ना? 3R माइनस R विल बी 2R. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अपॉन 2R. चलो सही है. अभी यहाँ पर जब हम बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 विच इज इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू, करेक्ट? वॉट इज वी वन? वी वन इज इक्वल्स टू आर वन. वी वन इज इक्वल्स टू मीन्स लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट 1. ओके जहां पर रेडियस कितनी है आर है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सो वी वन इज इक्वल्स टू आर ओमेगा. वी टू की अगर मैं बात करूं, वी टू इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड सैटेलाइट, जहां पर सी वी का जनरल फॉर्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, आर ओमेगा वाला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला व्हाट वी आर यूजिंग. सो अगर मैं सैटेलाइट 2 की बात करूं तो सैटेलाइट 2 के लिए रेडियस कितना है 3R और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 ओमेगा. सो आई विल राइट डाउन 3R इंटू 2 ओमेगा. सो 3 2 का कितना हो गया 6 ओमेगा. सो आर ओमेगा माइनस 6R ओमेगा, तो ये हो गया माइनस 5R ओमेगा, करेक्ट? सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, इट इज माइनस 5R ओमेगा अपॉन 2R, लाइक दिस के कैप, करेक्ट? क्या आ गया? के कैप आ गया. सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. इट इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आर. सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज अपॉन 2R, या आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू इज 2R. सो लीनियर वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड आउट करेंगे वी टू माइनस वी वन. वॉट इज द वैल्यू ऑफ वी टू? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट 2, एज वी नो दैट 3R इंटू 2 ओमेगा दैट इज 6R ओमेगा माइनस वी वन, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट 1 विल बी आर ओमेगा. तो ये हो गया हमारे पास 5R ओमेगा. सो आई विल राइट डाउन 5R ओमेगा अपॉन 2R, लाइक दिस के कैप. RR गेट कैंसिल, सो 5 ओमेगा अपॉन 2 के कैप, और यहाँ पर भी आप RR कैंसिल कर सकते हो, सो माइनस 5 ओमेगा अपॉन 2 के कैप. सो दिस इज द आंसर. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइव क्लास, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक. ओके मतलब इनका बोलने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द मिनट हैंड एंड दिस इज द सेकेंड हैंड, जो मैंने रेड मार्कर से बनाया वो मिनट हैंड है, जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया वो सेकेंड हैंड है. जब दोनों ने अपनी मोशन इस पोजीशन से स्टार्ट की तो कितने टाइम के बाद वापस से ये दोनों आपस में आके मिलेंगे, ठीक है? तो ये हमें पता करना है. सो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, इफ यू गाइस रिमेंबर दैट द टाइम पीरियड ऑफ दैट मीटिंग विल बी टी ए
इंटू टी बी अपॉन टी ए माइनस टी बी, दैट इज द जनरल फॉर्मूला जो हमने बनाया था. लेट्स से टी ए इज द टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड? वी नो दैट द टाइम पीरियड फॉर मिनट हैंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट. मिनट हैंड का टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब मिनट हैंड को 1 रेवोल्यूशन मारने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स लग जाता है. कितना लग जाता है? 60 मिनट लग जाता है. ठीक है. ऑन द अदर केस टाइम पीरियड टी बी, लेट्स से टी बी इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड हैंड, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड को 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मारने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है. 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन हमें आंसर आ जाएगा, दैट इज 60 into 1 अपॉन, यहाँ पर टी ए का वैल्यू 60 माइनस 1 विच इज 60 अपॉन 59 मिनट. सो दिस इज द आंसर. सी सो शॉर्टकट फॉर्मूलाज आर वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी क्विकली. सो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूलाज करवाता हूँ. ठीक है, प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन टू द नेक्स्ट वन. So let's try to solve the next question. Again, there is very interesting question. So the question is, two particles A and B move in a circle. Initially, particle A and B are diagonally opposite to each other. Particle A move with angular velocity pi rad per second, angular acceleration pi by 2 rad per second square, and particle B moves with constant angular velocity 2 pi rad per second. Find the time after which both the particles A and B will collide. हमें find out करना है जब ये situation है और दोनों particles को release किया गया with their parameters. ओके okay, तब हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी को कब जाके कोलाइड करेगा, ये चीज हमें पता करनी है. ठीक है. सो नाउ क्लास, सबसे पहले ये पता करो, जैसे कि हम देख रहे हैं बी का स्पीड 2 पाई रेड पर सेकेंड है इनिशियली और ए का स्पीड पाई रेड पर सेकेंड है, तो ऑब्वियसली बी थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू ए. तो कितना फास्ट मूव कर रहा है वो चीज फाइंड आउट करेंगे. सो एंगुलर स्पीड ऑफ बी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, ओके, माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ ए. सो एंगुलर स्पीड बी का कितना है? 2 पाई. एंगुलर स्पीड ए का कितना है? पाई. सो 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू पाई रेड पर सेकेंड. इतनी स्पीड के साथ दौड़ रहा है. ठीक है, इतनी स्पीड ज्यादा है बी की किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में. इसको मैंने ओमेगा नॉट बोल दिया. ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं अल्फा की, एंगुलर एक्सेलरेशन की. एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बी? इट इज 0. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए? इट इज पाई बाई 2. So pi by 2. So your answer comes out to be minus pi by 2 rad per second square. Correct? So this is the difference in the angular acceleration. अभी हमें पता है अगर A को B के साथ कोलाइड होना है, A को अगर B के साथ कोलाइड होना है, तो A और B के बीच में इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? पाई का. तो इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट A को B के रिस्पेक्ट में बनानी पड़ेगी. इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए को बी के रिस्पेक्ट में बनानी पड़ेगी, तभी ही ए बी के साथ जाके कोलाइड होगा. सो टीटा हम बात करेंगे, दैट टीटा का वैल्यू इज पाई. सो वी विल यूज द सेकेंड काइनेमैटिकल इक्वेशन, दैट इज टीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. सो टीटा का वैल्यू कितना है? पाई है. ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है? पाई. अगेन टाइम का वैल्यू टी प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाई 2. ओके, so minus pi by 2 into t square like this. So I will cancel pi, pi and pi. So यहाँ पर 1 is equals to t minus t square by 4. So therefore I will write down 4 is equals to 4t minus t square. So therefore t square minus 4t plus 4 which is equals to 0. T minus 2 the whole square is equals to 0. So t minus 2 is equals to 0. So t is equals to 2 second. So time का value कितना आ गया? 2 second. 2 second के बाद particle A particle B के साथ collide कर देगा. So with this we will end our today's lecture. So I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.